तो आ गया हूँ मैं राजन वर्मा आपके अपने चैनल एबीसी क्लासेस पर। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरा पहला चैप्टर प्रतिशत होगा। मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी पहले से लिख रखी हैं जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो, और इसको देख के डरिएगा नहीं, ये प्रतिशत सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके पूरे मैथ में काम आएगा। लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उन सब में इनका बहुत काम आने वाला है। इवन सिंप्लीफिकेशन, पूरे मैथ में ये आपका बहुत काम आएगा। मैं इसको समझाता हूँ कि एक्चुअली है क्या। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रतिशत होता क्या है। जैसे कि कोई भी नंबर है 100%, तो इस परसेंट का मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी नंबर में प्रतिशत को हटाते हैं तो 1/100 से हम गुणा करते हैं, ठीक है? तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे कि 100% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ऐसे 50%, तो 50% परसेंट को हम हटाएंगे तो 100 आएगा और वो किसके बराबर होता है, 1/2 के। 25%, 25/100, ये किसके बराबर होगा, 1/4 के। और 20% परसेंटेज हटाएंगे तो 20/100 1/5 के बराबर होगा। बच्चों को यहाँ तक तो याद रहता है, आसान है, बिल्कुल आसान है, तो याद रहता है यहाँ तक, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है हम आपको ये बताने जा रहे हैं। एक चीज़ और, अगर किसी फ्रैक्शन को, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है 1/5, ठीक है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 100/5, मतलब ये कितना हो जाएगा, 20%। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है? तो इन्हीं का यूज़ करके मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसको पहले देख लीजिए। ये सब ऐसे कैलकुलेशन है ना कि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो बच्चा कैलकुलेशन ही करता रह जाता है, और जिसको ये याद होगा वो मुश्किल से 5 सेकंड में सवाल को हल कर देगा। मैं इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम्पल्स भी कराऊंगा जो कि पिछले कई बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। हाँ, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है। इसका कुछ तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। 1/7, इसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 1/7 × 100, और हम जब 100 को 7 से भाग करेंगे तो 14 × 2/7 आएगा प्रतिशत, ठीक है? और जब हम 2/7 को भाग करेंगे तो 2857 आएगा, 14.2857%। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा याद करना है, तो आपको केवल ये पहली वैल्यू याद करनी है, 14, 28, 57। ये ऐसे साइकिल में घूमेगा। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, आप समझिए। अब अगर हम इसी वैल्यू में 2 का गुणा कर दें, मतलब 2/7 हो जाएगा, अब उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा अगला वैल्यू क्या होगा। ये जो हमारा पहला वैल्यू आपको याद रखना है, उसमें हम जब 2 का गुणा करेंगे तो 14 × 2 = 28, 2 × 2 = 4, 28 से 4/7% अगर आता है आपका, तो आप उसको कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं, 14 का पहाड़ा याद होना चाहिए, कि 1/7 का वैल्यू है 14.2857%। तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/7 का, हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, 14 × 2 = 28, मतलब 28, उसके बाद क्या होगा, 28 आ जाएगा। उसके बाद की चीज़ें आपको ये गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, 28 आ गया, उसके बाद 57, और फिर साइकिल घूमेगा 14%, ठीक है? ऐसे जब हम 3/7 की बात करेंगे तो 3/7 को जब परसेंट में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, और ये 42.6/7 कैसे आ गया, ये इसमें अगर हम इसको ऐसे लिख लें 1, तो अगर हमें 3 में बदलना है तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14.2/7, और जब 3/7 करना है तो इसमें 3 का गुणा कर लेंगे, 14 × 3 = 42, 3 × 2 = 6/7, और यहाँ पे 14 × 3 = 42 और 28 × 3, ठीक है, और 14 × 3 = 42। आपको केवल 42 जब आपका पता चल जाएगा 14 × 3 = 42 होता है, उसके बाद की वैल्यू आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, अब आप देखिएगा, साइकिल समझिएगा, 4 यहाँ से 42 कैसे बन रहा है ये,
और ये बन रहा है, ठीक है। या आप पहले वाले में देख लो, 42 कैसे बन रहा है, 4 2 42 बना, उसके बाद क्या बच रहा है, 85 बच रहा है, 85 लिखा गया, फिर 7 और 1 लिखा गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर ऐसे ही अगर आपको बोला गया 6/7 को परसेंटेज में बदलिए, इसका मैं बता रहा हूँ बहुत ही यूज़ है, अभी आप बस समझते चलिए, बहुत ही जल्दी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। 6/7 × 100 तो हमें पता है 14/84 होता है, ठीक है, 14/84, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 84 आपको याद रहेगा, 84 तो यहाँ 85 सही, 5/7 होगा। अब 6 × 12 होता है, यहाँ पे क्या आएगा, 12, तो जब 12 आएगा 12/7, तो इसको हम 5/7 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 12 को 7 से जब भाग करेंगे, 7 × 7 और 7 से तो 5/7, तो वही 5/7 यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। तो 6/7 की वैल्यू क्या होती है, हम जान जाएंगे 14/84, 84 मतलब 85 सही, 5/7, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 85 मतलब आपने 85 लिख लिया, तो बचा क्या, 7 1 7 1 और फिर 42 और ये 42, ठीक है। यह आपकी 7 की फैमिली है, इसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही हम आते हैं फैमिली 8 की तरफ, ये आपकी फैमिली है 8 की, ठीक है, इसको समझिएगा, 1/8 है, उसको परसेंटेज में बदलना है, 100 का गुणा करेंगे और जब 100 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12.5। अब हम 0.5 को जब ऐसे लिख सकते हैं, 0.5 है, इसको हटाएंगे तो 10/10 आएगा, मतलब कितना हो गया, 1/2, तो हम 12 से ही 1/2 लिख सकते हैं। आप हमेशा याद रखना, ये सब वैल्यू बहुत पूछी जाती है, और 1/8 बराबर कितना होता है, 12.5 के परसेंट, और वो किसके बराबर होता है, 12 से 1/2 के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पे परसेंट लगेगा। ऐसे ही 3/8, तो 12 को 3 बार में गुणा करो, 12 24 36 36, मतलब आप समझ जाइएगा 37.5, 5 सबके लास्ट में रहेगा, ऐसी वैल्यू आएगी, तो आप ये समझ लीजिए 8, फैमिली 8 का है ये, तो 37.5। अब इसको जब हम बदलेंगे तो 37 37 रहेगा, 5 को 1/2 लिखेंगे। अच्छा, मैंने 2/8 क्यों नहीं लिखा, 2/8 मैंने क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा मैंने, 2/8 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 2 2 4 8, 1/4, और 1/4 मैं यहाँ बता चुका हूँ किसके बराबर होता है, 25% के बराबर होता है, ठीक है, कि किसके बराबर होता है, 25% के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। यहाँ पे आपको केवल 1 2 3 4 वैल्यू को याद रखनी है, जिसमें कि आप पहला, सबका पहला याद रखोगे तो नीचे का आप वैसे ही समझ जाओगे। अब आपका आता है 5/8, तो मतलब 12/25 है ना, 12/25 60, तो ये आपका हो गया 62.5, 12.5, 37.5, 62.5 और 87.5, ये आपके 8 की फैमिली के हो गए, ये ऐसे ही रहते हैं, इनको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अब आपका आता है 1/9, फैमिली 9 के बारे में हम बात करेंगे, तो जब हम 9 को 10% में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए, फिर इसको अगर आप भाग करोगे तो कितना आएगा, 11 सही 1/9%, और जब आप 1/9 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 1, और ये बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, मैं फिर से समझा दूंगा, ये भी बिल्कुल आसान था, ये और भी आसान है। 1/9 किसके बराबर होता है, 11 सही 11% के बराबर होता है, या 11 सही 1/9 आ गया, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये किसकी फैमिली का है, ये 9 की फैमिली का है, नीचे 7 आ गया तो ये 7 की फैमिली का है, इतना तो आप समझ ही गए, ठीक है, तो ये 9 की फैमिली का है। ऐसे ही जब हमें वैल्यू दे रखी हो 2/9, उसको परसेंटेज में बदलना होगा, 100 का गुणा करेंगे तो 1/9 की वैल्यू कितनी थी, 11 सही 1/9, उसमें 2 का गुणा करेंगे, 22 सही 2/9, और यहाँ पे 22.22% हो जाएगा। ऐसे ही 4/9 का जब हम करेंगे तो 11 × 44, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे जब 4 का गुणा करेंगे तो 11 × 44 और 1 में गुणा करेंगे तो 4 × 1 = 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4/9, और जब आप इसको बदलोगे तो कितना आएगा, 44.44%, ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ इसके ऊपर, और अभी कुछ वैल्यू और भी बची हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
एक बार आप इन वैल्यूज़ को लिखिएगा और उसको जब भी मैथ शुरू करिएगा तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। कोई तरीका नहीं है कि मैं इसके शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, यही एक तरीका है। आपको याद तो करना पड़ेगा, और आप अगर सच में बेसिक सीख रहे हैं तो रटना ही तो है। इनको आपने रट लिया, दूसरा बाकी तो नीचे समझ गए आप। पहली वैल्यू रट ली, 1/8 12.5 के बराबर होता है, वो 12 से 1/2 के 0.5 1/2 के बराबर होता है। तो बाकी चीज़ें आप जब 3 पूछेगा तो 12 3 36 मतलब आपको 37.5 62 ये अंदाज़ा कैसे लग जाएगा कि गुणा करके 12 4 48 है ना, 4 का मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा 12 5 60 62.5 है ना। 4 का मैंने क्यों नहीं लिखा है बताया था मैंने, यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैं 4/8 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, और ये किसके बराबर होता है, 50% के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1/2, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, इसके ऊपर मैं जब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो आप कहेंगे हाँ ये बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। हम प्रतिशत में जब कुछ भी मानते हैं तो उसे 100% मानते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो ए की आय कम है बी से, बी से 20% कम है, तो हम बी को 100 मान लेते हैं, तो ए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी कितना अधिक है, सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कितना अधिक है, 20 अधिक है, कितना अधिक है, 20, और किससे अधिक है, बी की आय ए की आय से। जब हम इसमें ये देखते हैं कि किससे तुलना की जा रही है, बी की तुलना ए से की जा रही है, मतलब ए की आय से, और ए की आय के कितनी माने हम, 80 है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 80, और प्रतिशत में बदलने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ 100 से गुणा करते हैं, तो ये हो गया आपका 4 और ये कट जाएगा आपका, आ जाएगा 25%। इसी का एक ट्रिक है छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा। R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100, जब कभी क्वेश्चन में 1% की बात होगी, मतलब 1% है वो कम या ज्यादा हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। R कितना दे रखा है, 20, 100 प्लस माइनस, प्लस का मतलब है अगर वृद्धि हो रही होती तो प्लस कर देते हैं, कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे, इंटू 100, यहां से आपका फिर वही आ गया 20/80 इंटू 100, और ये आपका फिर से आ जाएगा 25%, ठीक है, यहां से भी आपका आंसर निकल गया, ये आपके समझने के लिए था। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहे हैं चीनी के रेट में 25% की वृद्धि हो जाने से, चीनी की रेट में, तो पहले कुछ और होगा रेट और बाद में कुछ और हो गया, तो हम पहले मान लेते हैं चीनी का रेट कितना था, 100 रुपए केजी था, ठीक है, 100 रुपए प्रति केजी था। एक व्यक्ति को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कहने का मतलब है पहले रेट 100 था, बाद में जब 25% की वृद्धि हो गई तो 100 में 25 बढ़ गया, मतलब अब दाम हो गया 125 रुपए पर केजी, ठीक है ना, ये अब दाम हो गया। हम मान लेते हैं इसकी खपत जो थी पहले कितनी थी, 10 केजी थी, मतलब 100 रुपए किलो चीनी है और 10 किलो चीनी आपका महीने में लगता है, तो आपका महीने में खर्चा कितना होगा, आपका जो खर्च होगा वो 100 × 10 मतलब 1000 रुपए, 1000 रुपए आपका खर्च होगा। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये बड़ी रेट बढ़ गया है लेकिन आपके खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो अगर रेट बढ़ गया है खर्चा भी आपका उतना ही है, तो इसका मतलब क्या है, आप चीनी कम खरीदेंगे। अच्छा, चीनी कम खरीदेंगे, पहले आपका खर्च कितना था, 1000 था, और रेट कितना है अब, 125 रुपए है, ठीक है, तो अब आप कितना
कितना चीनी ले आएंगे, मतलब खपत आपकी क्या होगी, इसको हम भाग कर देंगे, ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 8 केजी। कहने का मतलब है पहले आपकी खपत 10 किलो थी और अब आपकी खपत कितनी है, 8 किलो है। कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, तो पहले 10 थी और अब कितनी है, 8 है। कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। किसमें, 10 में, जो पहले था 10 में आपकी 2 की कमी हो गई, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 20%, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी में क्योंकि केवल 1% दे रखा है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो हम इससे वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, मतलब 25% upon 100 + 25, क्योंकि वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 × 100, और 25 × 100, और ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 25 × 25, और ये आपका आ जाएगा 20%। तो आपने देखा कि बेसिक तरीके से हम ऐसे करेंगे, ये आपके समझने के लिए है कि क्वेश्चन को समझना कैसे है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया या ट्रिक से नहीं, हमको बेसिक से बताओ, तो बेसिक से आप ऐसे करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में आपको जल्दी करना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और तुरंत 1 सेकंड में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तीसरा और चौथा। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 20% कम कर दिया है, कम कर दिया गया तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। ये आपका कोई आयत है, इसको आयत कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। ये आपका कोई आयत है, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। कह रहा है कि लंबाई में 20% की कमी कर दी गई। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं पहले लंबाई कितनी थी, 100 की, और चौड़ाई कितनी थी, 100 की। ये पहले की बात है जब पहले ये आयत था हमारा, और बाद में क्या हो जाता है, बाद में यही जो आपका आयत है, आयत की लंबाई में 20% की कमी, मतलब लंबाई पहले 100 थी, अब 20% कमी कर दी है, तो अब कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। और चौड़ाई को कितने परसेंट बढ़ा दिया गया, मतलब ये जो चौड़ाई आपकी थी 100, उसमें कुछ बढ़ा दिया गया है, हमको नहीं पता है कितना बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले जो क्षेत्रफल था हमारा कितना था, 100 × 100, ये आपका हो गया कितना हो गया, और अगर ये सेंटीमीटर या जिसमें भी होता है तो इसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा या मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात चल रही है, ठीक है। ऐसे ही बाद में क्या हो गया, बाद में क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई कितनी है, 80 है, चौड़ाई कितनी है, 100 + x। एक बात और बता दूं, पहले जो क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल बाद में भी है, ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है ना कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं बराबर 80 100 + x, ये बराबर होगा। यहां से आपका आ गया बराबर +80x। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 80 का गुणा इसमें होगा और 80 का गुणा यहाँ पे भी होगा, ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 2000 बचेगा, तो 80x बराबर 2000 और x बराबर 2000/80। आप काट लोगे इसको, 4 × 8, 4×5 = 20, और फिर कटेगा तो कितना आ गया, 25% आपका आंसर आ गया है। सॉरी, ये आपका बेसिक तरीके से है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे कि ये जो लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये तो सब वर्ग बन गया ना,
वर्क की तो भुजाएं बराबर होती है ना, लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है कि आयत वर्ग हो सकता है, मतलब आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है वो बराबर हो सकती है। एक आयत वर्ग हो सकता है लेकिन एक वर्ग कभी आयत नहीं होगा। ठीक है, इसको आप शॉर्टेज से फिर उसी तरह अप्लाई कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां बता देता हूं, आपका 20% कम कर दिया गया था, तो 20 और ये 100 में से 20 किया 80 गुणे 100, तो ये आपका वही चीज आ गया, 20 बटे 80 गुणे 100, तो ये आपका 4 बार में गया और ये आपका 25 बार में गया, कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सेकंड टाइप पे आ गया, किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% वृद्धि, फिर कुछ समय बाद 10% की कमी कर दी, तो प्रारंभिक आय क्या होगी। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, तो हमने मान लिया, माना उसकी आय जो थी कितनी थी, पहले 100 थी। ठीक है ना, हमने क्या कहा था, प्रतिशत में कुछ भी मानेंगे तो पहले 100 मानेंगे, 100 थी, उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% इंक्रीज कर दिया गया, तो अब 20 में 100, 20 100 में 20 की इंक्रीमेंट, तो मतलब 120 हो गया, उसकी अब आय कितनी हो गई, 120 हो गई है। फिर बोल रहा है कि 10% की कमी कर दी गई, मतलब अब कितना कर दिया गया, 120 में 10% की कमी। तो अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 120 में 10% की कमी की गई है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटू इसका 10% निकाल लें, कितना आ गया 12, और इस 12 को हम फिर 120 में माइनस कर दें, तो आपका कितना आ गया, आठ और 10। ठीक है, 108 आ गया। ये तो था, अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो फिर उसको पहले 120 से माइनस करेंगे 12 को, फिर आपका 108 आएगा, लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, दस परसेंट की कमी है, मतलब 100 में आप पहले 10 घटा दो, मतलब कितना हो गया 90, तो हम इसका सीधा 90% निकाल लेते हैं, 120 का 90%। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, अब 12 9 108, अब आप देख रहे हो पहले कितनी थी आय, पहले 100 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 108 रुपए हो गई है, तो प्रारंभिक आय क्या है, कितने की, कितने की यहां पे वृद्धि हो गई है, 8 रुपए की वृद्धि हो गई है, 100 था अब कितना हो गया, 108, तो कितने की वृद्धि हो गई, 8 रुपए की, किसमें, 100 रुपए में, और ये कट गया, तो आपका आंसर आ गया 8। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। एक वृत्त है जिसकी, देखिए आयत का क्षेत्रफल हो या फिर वृत्त का क्षेत्रफल हो, इनका जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें स्क्वायर होता है, जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मतलब जो भी आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, ऐसे ये जो वृत्त की, ये वृत्त है इसकी जो त्रिज्या होगी आर, है ना, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पहले की बात है, और बाद में क्या कर रहा है वो, क्षेत्रफल जो है पाई, और वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, हम आर को यहां भी मान लेते हैं, कितना है 10, हम यहां पे 10 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 100 पाई। ठीक है, और यहां भी क्या हो जाएगा, 100 मान लीजिए आप, क्योंकि जब जोड़ना घटाना रहेगा तो आपके लिए इजी रहेगा, है ना। ठीक है, और ये हो गया पाई। अब 50% की वृद्धि कर दी गई है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 100 में 50% की वृद्धि, 150 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल आपका कितना हो गया, 150, मतलब 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 00, और ये हो गया पाई।
मतलब पहले क्षेत्रफल इतना था और अब क्षेत्रफल इतना है, तो बोल रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। पहले क्षेत्रफल इतना था, अब इतना हो गया, तो वृद्धि कितने की हो गई है, हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 0, 5, 2, 1 और ये 5, इतने की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। किससे हो रही है, इससे, इससे वृद्धि हो रही है, तो ये आपका नीचे आएगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। पाई से पाई आपका कट गया, यहां से 0 से 0, 0 से 0, 25 चौक 100, 25 25 125 और ये आपका कट गया 4 × 8 और 5, तो आंसर कितना आ गया, 25 × 5 125%, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, यहीं पे एक इसका शॉर्ट ट्रिक था, पिछले क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर 50% की वृद्धि हो रही है और ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है, मतलब 50, इसको दो बार देखिए, दो बार गुणा हो रहा है ना, तो हम इसका एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 50% की वृद्धि मतलब प्लस 50, यहाँ पे भी प्लस 50, और यहाँ पे जो साइन होता है डिसाइड करता है कि इन दोनों का साइन क्या है, प्लस इंटू प्लस, दोनों प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, गुणे 50/100, तो ये 50/50 100 हो गया, और प्लस 25/25 का फिर 5/5 का 25 और 2 0/100 कट गया आपका, कितना आ गया, 125%। इस फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हैं, यह आपका बेसिक तरीका था, यह आपका हो गया फॉर्मूले से। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक पाए और 20 अंक से फेल हो गया, मतलब कि 30% अंक पाया और उसमें 20 अंक जोड़ दिया जाता तो वो पास हो जाता, जबकि दूसरे छात्र ने 35% अंक पाए और 15 अंक पास होने से अधिक लाया, ठीक है ना, क्वेश्चन यही कह रहा है। चलिए इसको हम समझते हैं कैसे करेंगे। मतलब जो पहला छात्र है वो 30% अंक पाता है और दूसरा छात्र है वो 35% अंक पाता है, यहां तक क्लियर है, ठीक। ये जब 30% अंक पा गया तो इसने कहा कि अगर मुझे 20 नंबर और मिल जाता, जो 20 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब उसको 20 नंबर और मिल जाता तो ये पास हो जाता, ठीक है। अब ये पास हो गया, मिनिमम पासिंग मार्क्स पा गया, और जो 35% है वो 35% लाया और कह रहा है कि मैं 15 नंबर ज्यादा लाया हूं पास होने से, तो मैंने कहा अगर इसको हम 15 घटा दें तो ये भी बिल्कुल पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स पे, और अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो परसेंटेज को इस तरफ कर लेते हैं और इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो 30 को इधर कर लीजिए आप, तो 30% में से 35 में से 30 जाएगा, 5% आएगा, और ये 20 है और इसको इधर लाएंगे तो ये 35 हो जाएगा, मतलब 5% जो आपका है वो 35 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से या तो इसको आप ऐसे लिख लो, उल्टा लग रहा है, तो 5% जो आपका है वो 35 के बराबर है, ठीक है। यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, ये मैं अभी समझा रहा हूं, बाद में मैं इसको स्किप कर दिया करूंगा। तो 1% मतलब 35 और ये 5 से भाग करेंगे, 5 × 7 = 35, 1% 7 के बराबर है। कह रहा परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक कुछ भी, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1% × 100 ये हो जाएगा 100% और ये कितना हो जाएगा, 700, मतलब ये परीक्षा का पूर्णांक है आपका, ठीक है, 100% है ना, ये परीक्षा का पूर्णांक हो गया। कह रहा है दोनों छात्रों के अंक कितने हैं, ठीक है, दोनों छात्रों के अंक कितने हैं, तो ये बता देते हैं दोनों छात्रों के अंक। तो पहला छात्र कितना है, 30% पाया है, किसका, 700 का पाया है, तो 700 का
30% मतलब ऐसे आपने ये काट दिया 7 × 21 और अंक कितने की? पहले छात्र का अंक कितना है 210, ये पहले छात्र का है। दूसरे छात्र का कितना है 700 गुणे 35/100 कितना आ जाएगा 7×35 और 7×21 और 3×24 245। ठीक है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स क्या है? न्यूनतम पासिंग मार्क्स तो इसी में अगर हम 20 नंबर जोड़ दें तो वो पासिंग मार्क्स हो जाएगा, है ना, मतलब 210 में 20 नंबर जोड़ दें तो ये आपका हो गया न्यूनतम पासिंग मार्क्स, ये पास हो गया, मतलब कितना हो गया 230। या फिर हम इसमें 15 घटा दें क्योंकि इसमें 15 ज्यादा लाया है तो इससे भी कर सकते हैं 245 - 15 ये हो गया आपका 230 पासिंग मार्क्स है। ठीक है, इसको एक दूसरे और तरीके से कर सकते हैं, आप लोग बता देते हैं। जो क्वेश्चन ऐसे दिया है ना तो सिंपल इसको आप ऐसे लिख लो कि ये 30% था और 20 अंक से फेल हो गया। हम मान लेते हैं कि 100 नंबर लाता तो पास हो जाता, मान लिया 100 नंबर लाता तो पास हो जाता, 35% था 20 अंक से फेल हो गया, मतलब कितना लाया 80। ठीक है, दूसरा था 35% सब, है ना, अब वो क्या किया पासिंग मार्क्स से 15 नंबर ज्यादा लाया, मैंने क्या कहा मान लीजिए ये मान लिया मैंने पासिंग मार्क्स था तो 15 नंबर ज्यादा लाया, मतलब कितना लाया 115। ठीक है, दोनों को घटा दीजिए, यहाँ पे 5% आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 5 और 3, आप देख रहे हो दोनों से एक ही चीज आएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही करेंगे, 5% इसके बराबर कर लेंगे तो 100%, 5 × 7 = 35 तो 100% बराबर 700। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीका है, जो आपको अच्छा लगे उसे करिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। एक छात्र ने एक परीक्षा में 30% अंक पाए और 20 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 25% अंक पाए और वो 45 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है, हम अपने पहले तरीके से करते हैं, 30% और वो कितने अंक से फेल हो गया 20 अंक से, मतलब उसको 20 अंक और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा जो छात्र है वो 25% अंक पाता है और वो 45 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसको 45 और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 25% को इधर लाते हैं तो 30% में से 25% घटाएंगे, 5% हो जाएगा, और 45 में से ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 45 में से 20 को घटाएंगे 25 हो जाएगा, 5% 25 के बराबर है तो 1% आपका 5 के बराबर होगा, और 100% कितना हो गया 100 × 1% = 5 × 100। ऐसे हम चेंज करते हैं, 1% बराबर 5 है तो हम 100% × 1% ये ऐसे हम चेंज करते हैं, तो ये 100% आपका किसके बराबर हो गया 500 के, तो ये आपका पूर्णांक हो गया। ठीक है, फेल हो गया, तो इसमें पूछ क्या रहा था, अच्छा तो इसमें पूछ रहा है कि पूर्णांक क्या है और दोनों छात्रों के नंबर क्या है, तो पहला छात्र कितना पाया है, पहला छात्र 30% अंक पाया है, तो 30% मतलब कितना 30% ऑफ 500, मतलब कितना पाया है 150। ऐसे ही आपका दूसरा जो छात्र है वो कितना परसेंट नंबर पाया है 25%, मतलब 500 का 25% आप निकालोगे तो 100 ये 5 कितना हो गया 125 नंबर। ठीक है, अब कह रहा था कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना है, तो न्यूनतम मतलब पास होने के लिए उसको कितना नंबर चाहिए, जो पहला छात्र है वो 150 नंबर तो पा गया, लेकिन क्या अभी वो पास है, नहीं,
वो कह रहा है कि मुझे 20 नंबर और चाहिए, 20 नंबर से फेल हो गया था तो उसको 20 नंबर और चाहिए, मतलब न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना है, 170। अच्छा पूछ लिया जाता न्यूनतम पासिंग परसेंटेज कितना है, तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना है, 170, और कितने में से है, 500 में से इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कि इतने परसेंट न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं, मतलब 34% जो है आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा हो, अगर लग रहा हो कि मैं आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको मेरे अगले क्वेश्चन अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, एक परीक्षा में 70 छात्र गणित में 80% छात्र इंग्लिश में पास हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो बताइए परीक्षा में कुल कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैथ है, मैथ में 70% छात्र पास हुए हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इंग्लिश है, इंग्लिश में 80% छात्र पास हुए हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में ना ये लाइन पकड़ के चलेंगे, 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। हम यहाँ पे देखते हैं दोनों विषयों में क्या दे रखा है, दोनों विषयों में पास वाला दे रखा है कि फेल वाला दे रखा है। अगर वो दोनों विषयों में फेल वाला दे रखा है तो हमें यहाँ फेल भी निकालना पड़ेगा, तो 100 में से अगर 70% पास हो गए तो 30% फेल हो गए, और 80% पास हैं तो 20% फेल हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। ये आपका क्या है, ये आपका मैथ हो गया इधर का, और ये हो गया आपका इंग्लिश। ठीक है, ये आपका कौन सा सेक्शन है, ये आपका बोथ वाला है दोनों। अब इंग्लिश में दोनों क्या है, 10% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो ये हम फेल के लिए बना रहे हैं, ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम फेल के लिए बना रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा फेल वाली चीज़ को लेके सॉल्व करेंगे, फेल वाली कंडीशन को लेके हम सॉल्व करेंगे। ये पास का दे रखा है लेकिन हम फेल वाले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं इसका पता है 10% है, तो दोनों विषय में जो फेल हुए हैं 10%। ठीक है, अब मैथ में कितने फेल हुए हैं, 30%, और इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 20%। तो यहाँ अंदर क्या होगा, यहाँ पे 20% होगा, क्योंकि पूरे गोले में देखिए 20 और 10 30% हो गया, और वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश में टोटल 20% फेल हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10% होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ये सर्कल को देखेंगे तो 10 और 10 20% हो गया है आपका, तो टोटल फेल कितने हो गए हैं, 20, 30, 40, 40% छात्र टोटल फेल हो गए हैं। तो टोटल पास कितने होंगे, अब आपको पता चल जाएगा टोटल पास कितने हुए हैं, 100% होते हैं, 100 में से 40 फेल हो गए तो 60% पास हो गए। ठीक है, ये था इसका करने का तरीका। इस क्वेश्चन को हमेशा आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों छात्रों के बारे में क्या दे रखा है, वो पास है कि फेल है। बस जैसे ही आपने देखा फेल है, तुरंत आपने फेल का बनाया और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 35% छात्र मैथ्स में, 42% छात्र इंग्लिश में पास हुए, जबकि 27% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो बताइए परीक्षा में कुल कितने परसेंट छात्र फेल हुए, केवल एक विषय में कुल कितने छात्र पास हुए यदि छात्रों की संख्या 600 है। ठीक है, इसको करते हैं। ये आपका मैथ है, 35% और इंग्लिश है 27%, और दोनों में दोनों विषयों में और इंग्लिश में 42% है, और ये आपका 27% है।
दोनों इस ये पास हुए हैं और ये भी पास का ही है। तो जब हमें पास का ही दे रखा है दोनों, तो हमें इसको फेल का निकालने का मतलब नहीं है। ठीक, ये आपका हो गया मैथ, कर लीजिए इसको। ये आपका हो गया इंग्लिश। मैथ में कुल कितने परसेंट छात्र पास है? 35, और ये कितने सर 42% हैं, और जो बीच में है वो कितने हैं? 27% छात्र पास हैं। ठीक है, जब पास की बात कर रहा है, 27% बीच में आ गया, तो 35 में से 27 घटा देंगे तो कितना आएगा? 8%। और यहाँ पे जब 42 में से 27 घटा देंगे तो कितना आएगा? 15%। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में हालत खराब हो जाती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पास का है, तो टोटल जो हमारे पास हुए वो कितने हो गए? 15, 8, 23 और 7, 30, 40, 50%। 50% पास हो गए, तो फेल भी कितने होंगे? टोटल फेल कितने हो गए? 50%। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? परीक्षा में कुल कितने परसेंट सात छात्र फेल हुए? तो फेल हमें पता चल गया 50% है। केवल एक विषय में कुल कितने छात्र पास हुए? केवल एक विषय में, मतलब कि 8%। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है केवल एक विषय में, मतलब कि 8% जो है वो केवल मैथ में है और 15% जो है वो केवल इंग्लिश में है, लेकिन 27% नहीं आएगा, वो दोनों में है। तो 8 + 15 कितना हो गया? 23%। ठीक है, यदि छात्रों की संख्या 600 है तो 600 का 23% कितना होगा? ये आप निकाल लेंगे, एक सौ 38 छात्र जो हैं केवल एक विषय में पास हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये पास का था आपका, तो ये आपका निकल के आ गया। कहीं कोई दिक्कत हो, अच्छा मेरे पढ़ाने में आपको कहीं कोई दिक्कत लग रहा हो, या बोर्ड की थोड़ी सी दिक्कत लग रही हो, लाइटिंग की दिक्कत लग रही हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी पहला लेक्चर है, सेटअप में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं उसको ठीक कर लूँगा आगे चल के। अभी आपको पढ़ने के लिए इतना आ रहा होगा समझ में, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने कुल 80 प्रश्न हल किए। पहले 40 प्रश्न में से उसके 65% प्रश्न सही हुए। कुल 75% अंक लाने के लिए उसे 6 प्रश्नों में कितने परसेंट नंबर लाने होंगे? क्वेश्चन अच्छा है, और ये एक लेवल है आपके रेलवे ग्रुप डी में कि मैक्सिमम वो यहाँ तक पूछ सकता है, यहाँ तक और यहाँ तक, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके पहले जो थे थोड़े से इससे इजी थे, अब जो क्वेश्चन है थोड़े से ऊपर गए हैं और यहीं तक पूछेंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। आपको टफ मिले तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं देखूँगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा। तो एक परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्न हल किए। आपके पास 80 प्रश्न हैं, पहले 40 प्रश्न, ठीक है, और दूसरे 40 प्रश्न में उसके 65% प्रश्न सही हुए, मतलब 40 क्वेश्चन में उसके 65% जो हैं सही हुए। तो 65% हटा के हम 100 करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे मतलब कितने अंक आ गए? ठीक है, 26 अंक उसके आ गए हैं।
मतलब पहले 40 क्वेश्चन में से उसके 65% सही हुए, तो उसके 26 अंक आ गए हैं, उसको लाने कितने हैं, कुल 75% अंक लाने हैं। ठीक है, मतलब कि अब जो नंबर लाना है उसको इस 40 में लाना है, कुल 75% अंक लाना है ना। तो पहले 80 का हम निकाल लेते हैं, 80 का 75%, ठीक है, कुल का 75% अंक लाना है ना। तो 80 का 75% कितना होगा, पाँच एकम पाँच, पचाम पच्चीस, दो चौक पंद्रह चौक 60 अंक उसको लाने हैं। 75% अंक लाने के लिए उसको कितने अंक लाने हैं, 60 अंक, ठीक है। और उसे कितने अंक आ चुके हैं, 26 अंक आ चुके हैं। मतलब 60 में से अगर हम 26 घटा दें, अब उसको कितने अंक चाहिए, 34 अंक चाहिए। पहले 40 में से वो 65% क्वेश्चन सही करता है, तो मतलब 26 अंक आ गया सॉल्व करने पे, उसको टोटल 75% अंक चाहिए। तो 80 का 75% कितना हो गया, 60, उसको कितने नंबर चाहिए, 60, और कितने ला चुका है, 26, तो 60 में से 26 माइनस करेंगे तो 34, मतलब कि उसको 34 नंबर लाना होगा इस 40 में। तो कितने परसेंट नंबर लाने होंगे 75% अंक पाने के लिए, 40 में कितने नंबर लाने होंगे, कितने परसेंट नंबर, अगर पूछता कितने नंबर लाने होंगे तो 34 नंबर, कितने परसेंट पूछ लिया है, तो 34 लाना होगा किसने, 40 में, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 2 2 4 17 और 5, 17 25 85%। मतलब आपका जो अगला 40 क्वेश्चन का सेक्शन है उसमें आप जब 85% लाएंगे, और तब जाके आपका टोटल 75% अंक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, और जब आप ये सीख लेंगे तो ये तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर बच्चे को एग्ज़ाम में मैथ में क्वेश्चन आ रहे हैं, भले ही वो बेसिक तरीके से आ रहे हैं, तो क्वेश्चन सारे कर लेगा, सारे सॉल्व कर लेगा, उसका समय भी बच जाएगा। समय कब नहीं बचता है, जब क्वेश्चन आता ही नहीं है और उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आपको मेन चीज़ें क्वेश्चन आना चाहिए। एक ही क्वेश्चन के और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका लेके चल रहा हूँ, जैसे कि आप सोच सकते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और गलत होने पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि छात्र ने 75 प्रश्न हल किए और 125 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा सही प्रश्नों की संख्या क्या है, ठीक है। उसने कितने प्रश्न हल किए हैं, 75 हल किए हैं, तो सही पर 4 अंक मिल रहा है, गलत होने पर 1 अंक कट जा रहा है। आप भी रेलवे का एग्ज़ाम देने जाएंगे, 100 में से कहेंगे कि हमने 80 क्वेश्चन सही किया है, लेकिन आपका नंबर आ रहा है कुछ भी 65 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपने 80 के 80 सही नहीं किए हैं। तो कैसे, 75 में मैंने कुछ क्वेश्चन तो सही किए हैं, एक्स क्वेश्चन सही किए हैं, तो मैंने गलत कितना किया, गलत कितना किया होगा। अगर मान लेते हैं मैंने 50 क्वेश्चन सही किया है, तो गलत कितना होगा, 75 में से 50 घटा देंगे, 25 आएगा। तो अगर मैंने एक्स क्वेश्चन सही किया है, तो गलत कितना किया होगा, मैंने 75 माइनस एक्स माइनस गलत किया होगा, ठीक है। अब मैंने अगर 50 क्वेश्चन सही किए हैं और 4 नंबर मिल रहा है, तो कितने नंबर हो गए, 50 × 4 200 नंबर। वैसे ही एक्स क्वेश्चन सही किए हैं, 4 नंबर मिल रहा है, तो ये आपके नंबर हो गए। और ये गलत हो गए हैं, तो कितने नंबर काट रहे हैं, 1 नंबर काट रहे हैं, ठीक है। और अगर हम सही में से गलत वाले को माइनस कर दें, तो हमारा जो कुल अंक प्राप्त हुआ है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। बस हो गया आपका, सॉल्व करना है, तो ये आपका हो गया 4x माइनस 75, और माइनस और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा x 125, यहाँ से 4x और x 5x 125, और 75 इधर आएगा तो प्लस का 75,
ये आपका हो जाएगा 200 5x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 520, x इक्वल टू कितना हो गया 40। मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो सही प्रश्नों की संख्या, मतलब x आपका क्या था, सही प्रश्नों की संख्या था, मतलब कितना आंसर हो गया 40, और आपके ये सही हैं, और गलत कितने हो जाएंगे फिर आपके, 75 में से 40 घटाएंगे 35, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज अभी यहीं तक रखते हैं, कल मैं फिर शुरू करूंगा, आपका चुनाव पे आधारित प्रश्न हो गया, मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, है ना, और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, कुछ इसमें आपको सही नहीं लग रहा हो तो आप मुझे बताइएगा। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।